भारत करने वाला है रूस यूक्रेन युद्ध का अंत, लेकिन एन वक्त पर ये क्या हो गया? दोनों तरफ से स्टॉर्म शैडो और एटाकैम्स मिसाइल भिड़ने वाली हैं एक दूसरे से। दुनिया में मचा हड़कंप, क्या अब पुतिन कर देंगे यूक्रेन पर अमोघ ब्रह्मोस से हमला? यूक्रेन में हो रही दनादन यूरोप से हथियार सप्लाई, पुतिन मांगेंगे भारत से मिसाइलें। रूस यूक्रेन के बीच लंबे वक्त से जंग चल रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। इसी बीच अमेरिका और यूरोपीय देश लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, जिनके दम पर यूक्रेन रूस पर भारी पड़ रहा है। नाटो की तरफ से यूक्रेन को एक के बाद एक बेहद घातक हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, जो इतने गेम चेंजर साबित हो रहे हैं कि यूक्रेनी सेना रूस के अंदर तक घुस चुकी है, जिसके बाद से रूस का टेंशन हाई है। लेकिन अमेरिका और यूरोप मानने को तैयार नहीं है और यूक्रेन को दो ऐसे अमोघ हथियार दे डाले हैं जो रूस के लिए खतरे की घंटी हैं। यूरोप की स्टॉर्म शैडो और अमेरिका की एटाकैम्स मिसाइल के दम पर यूक्रेन रूस के कब्जे वाले इलाके में रूसी सेना पर कहर बरपा रहा है, जिसके बाद से पुतिन गुस्से में उबल रहे हैं और उन्होंने अमेरिका को खुले शब्दों में ये बता दिया है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई का मतलब रूस के साथ खुली जंग का ऐलान है। रूस इसका ऐसा जवाब देगा कि दुनिया इस अंजाम को सदियों तक याद रखेगी। इसी बीच रूस ने एक ऐसा काम कर डाला है कि जिसके बाद से यूरोप में सन्नाटा पसर गया है। दरअसल रूस ने भारत चीन के बीच दुश्मनी की दीवार को तोड़ने का ऐतिहासिक काम कर दिया है। नाटो की नींद इसी वजह से उड़ी हुई है क्योंकि रूस के बारे में ऐसी खबर है कि वो सीक्रेट तरीके से भारत से हथियार मंगा रहा है, और अगर अब वो खुल्लम खुल्ला ऐसा करता है तो नाटो का दम निकल जाएगा, क्योंकि सब कुछ ओपन होने पर रूस भारत से ब्रह्मोस और प्रलय जैसी मिसाइलें हासिल कर सकता है जिनका कोई जवाब नाटो के पास नहीं है। तो आखिर नाटो के खिलाफ रूस का क्या हो सकता है अगला कदम? क्या भारत के हथियार जंग में नाटो को देंगे शिकस्त? क्या होगी जंग की रणनीति? इस बारे में सनसनीखेज खुलासे को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। स्टॉर्म शैडो और एटाकैम्स मिसाइलों के भयंकर कहर से दहल गया रूस। नाटो का फन कुचलने के लिए पुतिन भारत के साथ कर सकते हैं बड़ी डील। ब्रह्मोस सुपरसोनिक और प्रलय मिसाइलें से रूस बनाएगा नाटो को निशाना। लंबे वक्त से यूक्रेन के साथ जंग में फंसे रूस का टेंशन तब और हाई हो चुका है जब यूक्रेनी सेना स्टॉर्म शैडो और एटाकैम्स जैसी ताकतवर मिसाइलें दागकर रूस को निशाना बना रही है। इसका जवाब देने के लिए रूस ने बेहद तगड़ा रणनीति बनाई है, जिसके तहत वो भारत और चीन के साथ मिलकर नाटो के खिलाफ जबरदस्त धमाका करेगा। अचानक भारत, चीन और रूस जैसी ताकत का एक साथ आना नाटो के लिए किसी मौत के कम नहीं है, क्योंकि अमेरिका नाटो यूनियन की ताकत के दम पर अफगानिस्तान, इराक जैसे छोटे देशों को कुचल सकता है, लेकिन भारत, चीन और रूस जैसी महाशक्तियों की ताकत का एक साथ मुकाबला करना उसके बूते की बात नहीं है। ये तीनों देश परमाणु ताकत से संपन्न भयानक हथियारों के जखीरे से लैस हैं। अगर ये एक साथ आते हैं तो फिर विश्व युद्ध को कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि भारत ने अभी तक न्यूट्रल रुख अपनाया है, लेकिन रूस ने अचानक भारत चीन के बीच जिस तरह से मीडिएटर का रोल निभाया है वो दुनिया के लिए हैरान करने वाला है, क्योंकि रूस के इस कदम के बाद से यूरोप की उन सारी तैयारियों को तगड़ा झटका लगा है जिसके तहत वो भारत को रूस से दूर करना चाहते थे। रूस भारत की किस ताकत का फायदा उठाना चाहता है और यूक्रेन के खिलाफ किस रणनीति पर काम कर रहा है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि अचानक पुतिन बदले बदले से क्यों नजर आ रहे हैं। लंबे वक्त से भारत चीन के बीच तनातनी है, लेकिन इसके बाद भी रूस की तरफ से इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा था, जबकि भारत रूस से ये उम्मीद कर रहा था कि वो इस मामले में कोई बड़ा कदम उठाएगा जिससे चीन भारत के आगे सरेंडर कर देगा। लेकिन इसके उलट यूक्रेन जंग की वजह से रूस लगातार चीन की तरफ जाता दिखाई दे रहा था। तब भारत ने अमेरिका का रुख किया, क्योंकि चीन को जवाब देने के लिए भारत को एक ऐसी ताकत की जरूरत थी जो जरूरत पड़ने पर हथियारों और तकनीक की मदद कर सके। अमेरिका के लिए ये एक बेहतरीन मौका था जो भारत जैसी विशाल ताकत को रूस से अलग कर सकता था। इस मामले में उसने कदम भी बढ़ाए, लेकिन बाइडेन प्रशासन इस मामले में पीछे रह गया। लिबरल नीतियों की वजह ये बाइडेन पाकिस्तान की मदद का दरवाजा फिर से खोला, जो ट्रंप ने बंद कर दिया था, जबकि उसे हथियारों की मदद भी की। ट्रंप ने उसे IMF की ग्रे लिस्ट में डलवाया था, जबकि बाइडेन ने उसे बाहर करवा दिया। वहीं भारत को हथियारों की तकनीक देने में बहुत देर कर दी। लंबे वक्त के बाद अभी तक भारत के स्वदेशी विमानों के लिए इंजन की सप्लाई नहीं हो सकी है,
वहीं सबसे ज्यादा दिक्कत की बात तो ये हुई कि अमेरिका ने भारत के लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तगड़ा टूल किट बनाकर काम किया गया जिसमें पश्चिमी मीडिया ने जान लगा दी थी। वहीं खालिस्तानी आतंकी पन्नू के नाम पर अमेरिका ने भारत पर सवाल खड़े करने की कोशिश की। भारत को अमेरिका की ये हरकत पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी भारत अपनी मजबूत डिप्लोमेटिक नीतियों से काम करता रहा। रूस अमेरिका दोनों को एक साथ हैंडल कर रहा था, लेकिन अमेरिका ये मानकर चल रहा था कि वो भारत को रूस से कुछ दूर करने में कामयाब हो गया है और किसी भी तरह से भारत अब खुलकर यूक्रेन जंग में रूस के साथ खड़ा नहीं होगा, जिसके बाद से वो यूक्रेन को बेहद खतरनाक हथियार भेजने लगा जिनके दम पर यूक्रेन रूस पर भारी पड़ने लगा। हद तो तब हो गई जब अमेरिका ने यूक्रेन के एटाकैम्स मिसाइलें दे दी, जबकि ब्रिटेन ने उसे स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का जखीरा भेज दिया जो रूस के लिए बेहद घातक साबित हो रही हैं। और फिलहाल रूस के पास इनका कोई मजबूत जवाब नहीं है, लेकिन रूस की मुश्किलें यहीं थमने वाली नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका और यूरोप ने अभी तक तो अपनी इन मिसाइलों का शॉर्ट रेंज वेरियंट यूक्रेन को दिया है, जबकि अब वो इन्हीं मिसाइलों का लॉन्ग रेंज वर्जन देने वाले हैं, जिसके बाद रूस को भारत की सख्त जरूरत है, क्योंकि भारत की ब्रह्मोस और प्रलय जैसी मिसाइलें नाटो के इन हथियारों को जमींदोज करने की दमदार ताकत रखती हैं। रूस ने चीन के साथ खत्म कराया भारत का सीमा विवाद, बदले में भारत दे सकता है अपने दोस्त को ब्रह्मोस का जखीरा। नाटो की इन खतरनाक मिसाइलों सहित तमाम हथियारों की सप्लाई के खिलाफ रूस को अब अपने दोस्त भारत की सख्त जरूरत है, जो हथियारों के मामले में आज बेहद ताकतवर हो चुका है। भारत की मिसाइल ताकत का दमखम पूरी दुनिया जानती है, और ब्रह्मोस की ताकत को रूस भला कैसे नहीं जानेगा जब उसने खुद भारत को इसका तोहफा दिया था। लेकिन जब किसी देश के साथ किसी तकनीक का करार किया जाता है, उसके बाद वो तकनीक उस देश की हो जाती है जो इसे खरीदता है, और ब्रह्मोस अब भारत की मिसाइल है जिसे रूस भी भारत से खरीद सकता है लेकिन अपने लिए बना नहीं सकता है, जबकि भारत ने इस मिसाइल को तमाम तकनीकियों से लैस करके बेहद भयंकर बना दिया है। वहीं प्रलय मिसाइल डीआरडीओ की वो कमाल ताकत है जिसकी स्पीड का खुलासा नहीं किया गया है, जबकि माना जा रहा है कि इसकी गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। वहीं अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस ये हथियार 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को तबाह कर सकता है, जबकि अमेरिका की अटाकैम्स 300 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। वहीं स्टॉर्म शैडो अपने आप में एक उड़ता कंप्यूटर है। ये मिसाइल बम प्रूफ बंकर भी बर्बाद कर देती है, समंदर में तैरता युद्ध पोत हो या फिर दुश्मन का कमांड सेंटर। ये एक मिसाइल सारे लक्ष्यों का अकेला जवाब है। जब ये टारगेट की तरफ बढ़ती है तो इसे कंट्रोल रूम से कोई मदद नहीं चाहिए। ये खुद को दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और राडार से बचते हुए टारगेट ढूंढ लेती है। आसमान में ऊंचाई पर जाकर अपने कैमरे से टारगेट को पहचान करने के बाद अचूक हमला करती है, लेकिन भारत की ब्रह्मोस की ताकत का मुकाबला इनमें से कोई नहीं कर सकती है। रूस ने ब्रह्मोस के लेवल वाली मिसाइल ओनिक्स का इस्तेमाल किया जो यूक्रेन के लिए बेहद घातक साबित हुई है, और अब वो उससे कई गुना एडवांस हो चुकी ब्रह्मोस को हासिल करना चाहता है। लेकिन ब्रह्मोस की सप्लाई का मतलब होगा कि भारत को अपनी विदेश नीति में बहुत बड़ा बदलाव करना होगा, और ये इतना आसान नहीं है। इसी वजह से रूस भारत को खुश करने के लिए उसकी सबसे बड़ी टेंशन चीन को सरेंडर करा दिया है, जिसके बाद वो चीन और भारत के साथ मिलकर इस जंग का गेम पलटना चाहता है, क्योंकि जाहिर है नाटो अभी और भी तमाम चुनौतियां खड़ी कर सकता है, जबकि चीन खुद अमरीका को कुचलना चाहता है। वहीं अगर भारत अपने हथियारों की सप्लाई रूस को करता है तो ये भारत के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा सौदा होगा जो दुनिया में टहलका मचा देगा। तो दोस्तों, इस भयंकर मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।